हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शेख जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लम्बिंग बाय शेख जुल्फ़िकार। आज इस वीडियो में मैं आपको वॉशिंग मशीन का इनलेट और आउटलेट पाइप कैसे फिटिंग करना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉशिंग मशीन, ये न्यू वॉशिंग मशीन है, इसको यहाँ पर मैं फिटिंग करूँगा। इसका यानी इनलेट और आउटलेट को मैं कनेक्शन करूँगा। तो ये वॉशिंग मशीन का ऊपर आप देख सकती है, ये दोनों लाइन को दोस्तों मैंने इंटर कनेक्ट करके यहाँ पर जो है मैं बीच में एंगल कॉक फिटिंग किया हूँ। यानी ये जो दोनों लाइन है, एक ठंडा पानी का और एक गर्म पानी का। अगर आपको वॉशिंग मशीन में ठंडा पानी चाहिए तो ठंडा पानी का कॉक को ऑन करना है, और गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी का कॉक को ऑन करना है। फिर आप वॉशिंग मशीन में ठंडा पानी या गर्म पानी, दोनों पानी को आप जो है यूज कर सकती है। अभी मैं इसका इनलेट पाइप कैसे फिटिंग करना है वो मैं आपको बताऊँगा। पहले हम लोग क्या करते थे दोस्तों, हम लोग ये जो वॉशिंग मशीन का इनलेट पाइप आता था तो उसको हम लोग टैप में जो है स्क्रू टाइट करके जो है हम लोग जो वॉशिंग मशीन का इनलेट पाइप है उसको टैप में फिटिंग करते थे। पर आज इस वीडियो में मैं आपको निपल के बारे में बताऊंगा दोस्तों। ये जो स्क्रू टाइट करके जो हम लोग पाइप फिटिंग करते थे ऐसा नहीं करना है, ये निपल लेके आना है। कोई भी हार्डवेयर का दुकान में जाके बोलोगे वॉशिंग मशीन का पाइप फिटिंग करने के लिए जो एंगल कॉक में निपल लगता है वो मेरे को दो, तो हार्डवेयर का दुकान जो है वो आपको दे देगा ऐसा निपल। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो निपल को जो है ये इनलेट पाइप में जो है मैं फिटिंग करूंगा। तो ये जो स्क्रू से टाइट करने वाला जो सिस्टम है दोस्तों, उसको जो है इस इनलेट से जो है मैं निकाल दूंगा। फिर उसके जगह जो निपल लेके आया हूँ ये निपल में फिटिंग करूंगा। आपको ऐसा पुश करने में ये जो निपल है वो पाइप में फिटिंग हो जाता है। पर अभी मैं ये निपल को पहले एंगल कॉक में फिटिंग करूँगा। अभी आप देखिए ये जो स्क्रू से टाइट देने वाला सिस्टम है इसको मैं यहाँ पे जो है निकाल दूंगा। फिर उसके जगह ये निपल यहाँ पे मैं फिटिंग करूँगा। तो वॉशिंग मशीन का इनलेट पाइप का एक एंड को वॉशिंग मशीन का ये इनलेट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे फिटिंग करना है, और दूसरी एंड को ये एंगल कॉक में जो है फिटिंग करना है। तो अभी मैं ये जो वॉशिंग मशीन का इनलेट पाइप का एक एंड को जो है ये यहाँ पे इनलेट, जो वॉशिंग मशीन का इनलेट का यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे मैं फिटिंग करूँगा। पर यहाँ पे मैं पहले टेफ्लॉन टेप लगाऊँगा, उसके बाद मैं ये वॉशिंग मशीन का इनलेट पाइप को जो है मैं फिटिंग करूँगा। अगर निपल से फिटिंग करते हो तो पहला नंबर दोस्तों आपका ये फिटिंग जो है ये काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इससे जो है पानी लीकेज का चांस बहुत ही कम रहता है। और ये कनेक्शन पाइप को आप बार बार ओपन करके फिर से फिटिंग करना ये बहुत इजी भी होता है, और वहाँ से लीकेज का चांस भी बहुत कम रहता है। पर स्क्रू से अगर आप टाइट करते हो तो वो जो है दोस्तों ये बहुत बार बार फिटिंग करना ये दिक्कत होता है, और अगर एक बार लीकेज हो तो लीकेज जो है उससे जो है बार बार लीकेज होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। अभी ये दोस्तों आप देख सकते हो ये जो पाइप है, ये पाइप का एक एंड को मैंने यहाँ पे फिटिंग किया हूँ, तो दूसरे एंड को यहाँ पे मैं फिटिंग करूँगा। ये जो निपल है, निपल में मैं यहाँ पे पुश करूँगा आपका ये जो पाइप का दोस्तों, इसको मैं नीचे की तरफ खींच के फिर पाइप को मैं अगर ऊपर उठाऊँगा तो पुश करूँगा, तो ये जो पाइप है ये निपल में जो है ये फिटिंग हो जाएगा। अभी ये फिटिंग परफेक्ट फिटिंग हो गया, ठीक है। अभी मैं ये मशीन को चालू करके देखूंगा कहीं से पानी लीकेज हो रहा है कि नहीं। देखिए इस यहाँ से आप दबा के दोस्तों ये पाइप को जो है किसी भी टाइम इजीली आप इसको ओपन कर सकती है, फिर आप वापस इसको फिटिंग कर सकते हैं। अभी ये इनलेट फिटिंग हो गया। अब आउटलेट जो है दोस्तों, ये आउटलेट जो फिटिंग करना है
सिंपल सा ये जो वेस्ट पाइप है इसको यहाँ पे जो है आउटलेट पॉइंट में जो है इसको फिटिंग करके फिर उसको दोस्तों ये जीआई का जो वायर है उससे बांध देना है, क्योंकि वॉशिंग मशीन से जो पानी आउटलेट होता है वो एक साथ में बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ये पाइप जो है निकल जाता है। तो ये जीआई का पाइप से जो है दोस्तों इसको पाइप को जो है बांध देना है, तो क्या है फोर्स से भी अगर पानी निकले तो वो पाइप जो है निकलेगा नहीं। अभी मैं ये जो मशीन है मशीन को अभी मैं ऑन करूँगा, फिर मैं देखूँगा ये जो पाइप में कनेक्शन पाइप फिटिंग किया हूँ इनलेट पाइप कहीं से लीकेज हुआ है कि नहीं, होता है कि नहीं। तो चलिए अभी ये मशीन को जो है मैं स्टार्ट किया हूँ, अभी आप देख सकती है मैंने ये मशीन में जो है पानी आ रहा है और इसका जो इनलेट पाइप मैंने यहाँ पे फिटिंग किया हूँ कहीं पे भी लीकेज नहीं है। तो आप वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, थैंक यू, गुड बाय।